प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। करीब 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर में खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों से होकर गुजरेगा। इसमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों को भी फायदा होगा। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर हर रोज 15,000 से 20,000 वाहन इस पर से गुजरेंगे। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है। इसकी कुल लागत 22,995 करोड़ रुपए आई है। इसमें जमीनों के अधिग्रहण का कर्ज भी शामिल है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं।